मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इसके सोनू टेक वर्ल्ड में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि अक्सर आप लोग देखते हैं परीक्षा में पूछता रहता है कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। इस वीडियो में आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाएं ताकि और भी आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हैदराबाद कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों, हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर ये भी गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर ये भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन जो कि छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। संबलपुर महानदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही बसा है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, ये रही आज की कुछ जानकारी। और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी जान सके कि कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। अक्सर आप लोग देखते हैं एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।